नंबर 50 देख लेते हैं क्या करेगा। फाइंड ए एंड बी सच दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई, है ना, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये वाई का जो वैल्यू है, ये फंक्शन है, इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमें देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों निकालना होगा इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए। देखिए वाई इक्वल टू में दिया है ए साइन 3x प्लस का बी कॉस 3x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो आ जाएगा 3a cos 3x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब इसके बारे में बात करें तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 3b sin 3x। अब अगेन इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कॉस का माइनस है तो माइनस का 9a sin 3x और माइनस का 9b cos 3x, ठीक है। अब इसके बाद वाला लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि जो आपके पास y इक्वल टू जो इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है जी, a sin 3x प्लस का b cos 3x सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइड द इक्वेशन किसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 4 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ प्लस 3y इक्वल टू में 10 cos 3x। तो चलिए अब इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू माइनस का 9a sin 3x और माइनस का 9b cos 3x, अच्छा प्लस का 4 sec, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ 3a cos 3x, 3a cos 3x माइनस का 3b sin 3x, ठीक है। और फिर प्लस का 3 y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, y का वैल्यू आपका कितना था जी, y का वैल्यू है हमारे पास a sin 3x प्लस का b cos 3x, ये ना था जी, और इक्वल टू में 10 cos 3x। चलिए अब LHS वाले को सॉल्व करते हैं, माइनस 9a sin 3x माइनस 9b cos 3x प्लस का 12a cos 3x माइनस का 12b sin 3x और प्लस का 3a sin 3x और प्लस का 3b cos 3x इक्वल टू में 10 cos 3x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन 3x वाले टर्म को, ये रहा और कहीं है साइन 3x वाला टर्म, और साइन 3x वाला टर्म ये रहा, अच्छा और साइन 3x वाला टर्म ये रहा, ये ना जी, तो ये और ये देखो, ठीक है। तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 और माइनस का 9 है तो माइनस का 6a sin 3x और फिर यहाँ माइनस का 12b sin 3x, इन दोनों को एक साथ करिए साइन 3x वाले को, कॉस 3x वाले को देखो, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है कॉस 3x वाला, तो यहाँ देखिए इसमें b है, तो ये हो जाएगा माइनस का 6b cos 3x और प्लस का 12a cos 3x इक्वल टू में 10 cos 3x। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग साइन 3x कॉमन कर लेते हैं और माइनस का 6b कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस का 2b और यहाँ आ जाएगा साइन 3x, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए फिर उसी तरह से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर आपका प्लस का 6 cos 3x, तो यहाँ पर 2a माइनस b और यहाँ पर cos 3x इक्वल टू में 10 cos 3x। तो यहाँ पे बाई इक्वेटिंग करेंगे, बाई इक्वेटिंग इक्वेटिंग कोफिशियंस ऑफ sin 3x एंड cos 3x इक्वेट करेंगे, तो sin 3x वाला इधर तो टर्म है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6a प्लस 2b इक्वल टू में 0 एंड यहाँ से हो जाएगा 6 2a माइनस b इक्वल टू में इधर 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से a प्लस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू हम लोग माइनस का 2b ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसमें रख देंगे, इसको डिवाइड में ले लेते हैं, 2a माइनस b इक्वल टू में 10/6, यहाँ पर हम लोग ये 3 और ये 5 कर देते हैं, a के प्लेस पे हम लोग माइनस का 2b रख देते हैं और माइनस का b इक्वल टू में 5/3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4b
माइनस का b इक्वल टू में 5 बाई थ्री, माइनस का 5b इक्वल टू में 5 बाई थ्री। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 5 जाएगा डिवाइड में माइनस का, तो यहाँ माइनस 1 बाई थ्री आ जाएगा। तो अगर हम लोग a का वैल्यू निकालें तो यहाँ माइनस 1 बाई थ्री रख देंगे तो आपका आ जाएगा ये 2 बाई थ्री। देयरफॉर हमारा a का वैल्यू हो गया 2 बाई थ्री एंड b का वैल्यू हो गया माइनस का 1 बाई थ्री। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।